हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरविंद संगम। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का रीपेमेंट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आपके भी फ्लिपकार्ट में ये फीचर्स अवेलेबल है आपको और आप उस बैलेंस का यूज कर चुके हैं और दोस्तों अभी तक आपने उसका रीपेमेंट नहीं किया है तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी उसका रीपेमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 मंथ के अंदर उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तब आपको वहां पर एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चार्ज से बचने के लिए आपको 1 मंथ के अंदर ही उसका रीपेमेंट करना है। दोस्तों आपको रीपेमेंट किस तरह से करना है आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, वो भी ऑनलाइन मोड से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर का रीपेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने फ्लिपकार्ट के होम पेज पर आ चुका हूं। तो आपको यहां पर आ जाने हैं और उसके बाद में आपको ऊपर यहां पर 3 डॉट लाइन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मेरा अकाउंट। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसको हिंदी वर्जन में कन्वर्ट किया हूँ और जैसा कि आप अगर उसको इंग्लिश में देख रहे होंगे तो आपको वहाँ पर माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट किया हूँ, तो मैं अपने मेरा अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ चुका है। दोस्तों जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्रेडिट विकल्प और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट सेटिंग का। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना है तो इसके लिए दोस्तों क्रेडिट विकल्प वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट ने हमको जो बैलेंस दिया हुआ है वो 3000 रुपये तक का दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा भी हुआ टोटल अप्रूव्ड क्रेडिट, तो आप यहां पर देख सकते हैं हमें यहां पर 3000 तक दिया है फ्लिपकार्ट ने। मैं 3000 रुपये तक कोई भी यहां पर शॉपिंग कर सकता हूं और 1 मंथ के अंदर ही हमें इसका रीपेमेंट कर देना होता है, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अभी तक हमने जो है 1779 रुपये हमने जो इसका जो शॉपिंग किया हुआ है 1779 रुपये का शॉपिंग किया हुआ है और 1236 रुपये अभी मेरे अकाउंट में बचे हुए हैं, आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसका पेमेंट जो है करना है तो हमें पे वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर दिखाई देता है, आपको सिंपली पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो उसका पेमेंट का जो मेथड है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। आपके पास जो भी विकल्प उपलब्ध हो आप उस विकल्प के जरिए आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने यहां पर आ चुका है। यहां मैं चाहूं तो एटीएम कार्ड से डायरेक्टली उसका सीवीवी नंबर डाल करके पेमेंट कर सकता हूं और नीचे हमें यहां पर फोन पे का ऑप्शन मिल जाता है। और तीसरा नीचे आप यहां पर देख सकते हैं ऑल अदर्स ऑप्शन, दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल है यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम या भीम यूपीआई किसी के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। और बाकी जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएमआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं फोन पे के जरिए पेमेंट करने वाला हूँ तो यहाँ ऊपर हमें एक एसएमएस मिल चुका है, हम सिंपली पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्टली मैं फोन पे के अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जा रहा है, मैं पासवर्ड को फिल किया और उसके बाद सिंपली हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर नीचे टिक करना है। जो भी बैंक आपका लिंक रहेगा आपके सामने शो होने लगेगा, उसके बाद सिंपली आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली यहां पर अपना जो भी पिन नंबर होगा आपको यहां पर इंटर करना है और यहां पर आपको टिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट यहां पर फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है सिंपली। तो सिंपली हमें यहां पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर का रीपेमेंट किया जाता है और आपने इस वीडियो में कंप्लीट देख भी लिया। और दोबारा से मैं आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि जो हमने पेमेंट किया क्या वो फ्लिपकार्ट तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इसके लिए हमें 3 डॉट लाइन वाले ऑप्शन पर ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद मेरा अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोबारा से सेम उसी जगह पे हमें आ जाना है। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 3000 रुपये शो हो रहा है। और यहाँ पर मैं क्लिक करके भी आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो 1779 रुपये का जो पेमेंट के लिए मुझसे कहा जाता था अब यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। और ऊपर जो यहाँ पर 1200 रुपये मुझसे दिखाया जा रहा था यहाँ पर ऊपर ही वो भी अब यहाँ पर राइट नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं जो हमें फ्लिपकार्ट ने दिया है 3000 रुपये टोटल,
यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ और यहाँ पर जो अवेलेबल बैलेंस है वो भी 3,000 रुपये टोटली हमारे यहाँ पर हो चुके। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है हमारा कि जो हमने 1,789 रुपये का जो पेमेंट किया फ़ोनपे के माध्यम से वो अप्रूवल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी फ्लिपकार्ट पे लेटर का रीपेमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।